बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 TV के साथ मैं हूँ नीलम अर्शद। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 2869 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक केसेस 867426 हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.42% रही। गुज़श्ता 24 घंटों में 38616 टेस्ट किए गए। ईद जुमेरात को होगी या जुमे को, आज शाम पता चलेगा। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र जुमेरात 13 मई को होगी। अरब इमारात, अमरीका, मलेशिया, रूस और दीगर कई ममालिक में भी ईद 13 मई को ही मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म की अरकाने असेंबली को ईद पर सियासी सरगर्मियों से गुरेज करने की हिदायत। कहते हैं कि अरकान अवाम की सेहत के पेश नज़र ईद की महाफिल और मुलाकातें तर्क करके घरों में रहें। हुकूमत के बाद नैब की भी शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने की कोशिश। नाम ECL में डालने के लिए नैब का वजारत दाखिला को खत। शेख रशीद ने कहा कि आज वो और वजीर कानून मीटिंग में शरीक होंगे। मुशावरत के बाद मामला काबीना को भिजवाएंगे। इधर नैब का शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। छोटी ईद से कब्ल मुर्गे की कीमतों में बड़ा इजाफा। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ब्रायलर गोश्त 480 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। क्वेटा में 430, लाहौर और फैसलाबाद में 422, मुल्तान में 420 रुपए फी किलो, पिशावर में जिंदा मुर्गे की कीमत 291 रुपए फी किलो हो गई। मुल्क भर में फल और सब्जियों की कीमतें बेलगाम। तुर्क वजीर खारजा की मक्का मुकर्रमा में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-क़वामी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तकबिल में भी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्क वजीर खारजा का कहना था कि तुर्की और सऊदी अरब का तआवुन अमन और खुशहाली का बाइस बनेगा। कौमी क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से रवाना, सुबह 10 बजे वतन वापस पहुंचेगी। खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान खसूसी तैयारी के जरिए पाकिस्तान आ रहे हैं। रवानगी से कबल खिलाड़ियों ने मेजबानी पर होटल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, तहाइफ दिए और तस्वीर भी बनवाई। और जो टीम इंग्लैंड जाएगी मुमकिन तौर पर वही वर्ल्ड कप खेलेगी। हेड कोच मिसबाह उल-हक कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में कुछ मसाइल हैं। बाबर आजम की कप्तानी अच्छी जा रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाउलर्स और बल्लेबाजों ने अच्छा खेल पेश किया। टेस्ट सीरीज में खास तौर पर कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही। A1 TV से फुल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Twitter, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV सब पे नजर, अंदर की खबर।